नांगल चौधरी के नायब तहसीलदार की मनमानी और आए दिन की लेट लतीफी से परेशान लोगों का आज आखिरकार धैर्य जवाब दे ही गया। परेशान लोगों ने आज भी दोपहर तक नायब तहसीलदार के कार्यालय में न आने पर तहसीलदार परिसर में जमकर बवाल काटा। साथ ही गुस्साए लोगों ने हिसार जयपुर हाईवे पर जाम लगाकर जिला प्रशासन हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। नौजवान साथी कम विलम्बे अरसों के बाद स्कूलें कॉलेजें खुली हैं। इन बच्चों के कहीं एग्जाम के टाइम है, कभी इन बच्चों के एडमिशन के टाइम है। कोरोना की वजह से सारे बच्चे घर बैठे थे। अब डॉक्यूमेंट, अब ये बच्चे अपने फॉर्म साइन करवाने के लिए 5-7 दिन से रोजाना तहसीलदार महोदय के साइन करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। ना यहाँ कोई प्रशासन का कोई बंदा बैठता है, तहसीलदार के तो ये लोग जानते ही नहीं कौन तहसीलदार है नांगल चौधरी में। ना अभी ये बच्चे युवा साथी खड़े हुए थे, मैं भी यहाँ था। इन्होंने कहा ताऊ जी हम सुबह से बैठे हैं। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब के पास फोन लगाया, वो फोन किसी का रिसीव करना ही पसंद नहीं करते। तो इन बच्चों की जायज मांगे हैं। पत्रकार साथियों से निवेदन है कि जोर शोर से उठाने का धन्यवाद। भाई बच्चे फार्म वगैरह भर रहे थे, उच्च अधिकारियों की मांग कर रहे थे, तब इन्होंने जाम लगाया था। इनको समझा बुझा कर कर उच्च अधिकारियों से बात कर कर के ये अपने आपने घर चले गए हैं। तहसीलदार वगैरह आ नहीं रहे, हमें फार्म वगैरह भरने हैं, तो तहसीलदार अधिकारियों से बात कर 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 उनको बच्चों को समझा बुझा कर कर भेज दिया है। काम सुचारू रूप से चल रहा है, किसी को कोई भी जाम में कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं हुई।